अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, वक्त कहीं ये रूठ न जाए, वक्त कहीं ये रूठ न जाए, कुछ तो वक्त से डर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। चलिए दोस्तों, खबरों के सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आज हमारे साथ में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, जाने माने प्रोड्यूसर राजेश कुमार गुप्ता जी उर्फ खन्ना जी मौजूद हैं, जो कि खन्ना प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक फिल्म कंपनी है उसके प्रोड्यूसर हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सर, आपकी सुना है एक फिल्म आ रही है माँ पूर्णागिरी करके, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कौन एक्टर हैं, किस तरीके से आप उसको बना रहे हैं? हमारे उत्तराखंड में माँ पूर्णागिरी का तीर्थ स्थान है जो काफ़ी फेमस है, अपना उत्तराखंड यूपी नेपाल में। माँ पूर्णागिरी के ऊपर इतिहास में पहली बार हिंदी फीचर फिल्म बनाई है, जिसमें हमारे भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी ने भजन गाए हैं, साधना सरगम ने गाए हैं, पूनम गिल ने गाए हैं, पन्ना गिल ने गाए हैं, और इसमें हमने भोजपुरी की हीरोइन पूनम दुबे को लिया है, गजेंद्र चौहान जी को लिया है, जय सिटी जी को लिया है, बॉलीवुड टीवी सीरियल के सारे नामचीन आर्टिस्ट हैं, और म्यूजिक इसमें दिया है दुर्गा नटराज जी, लखवीर सिंह लखा जी ने, भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी की पेशकश है, प्रोड्यूस बाय खन्ना मूवीज। तो सर, ये कैसे, मतलब एक सवाल जहन में उठा के एकदम से पूर्णागिरी माँ के ऊपर आधारित फिल्म बनानी चाहिए? जी, देखिए ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान में धार्मिकता की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो जैसे माता वैष्णो देवी पे मूवी बनी है, जय माँ संतोषी बनी है, शिरडी के साईं बाबा बनी है, तो करीब 20-25 साल से कोई धार्मिक मूवी मार्केट में नहीं आई है। तो हमारी माँ पूर्णागिरी काफ़ी विख्यात हैं, 70 से 80 लाख श्रद्धालु माता के दरबार में दर्शन को आते हैं और माँ की कृपा से सबकी अरदास पूरी होती है। हमारे यूपी के एक सेठ थे जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने माता से अरदास की, माँ ने बहुत ही जल्द उनके आंगन में एक फूल खिलाया। तो वहाँ एक झूठे का मंदिर है जो बहुत फेमस है उसी बात से। जब सेठ के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई तो सेठानी ने बोला, भाई जो है कि माता के दरबार में सोने का मंदिर आपने बोला है, चढ़ाइए। तो सेठ सेठानी दोनों मंदिर, तांबे के मंदिर पे सोने की पालिश करा के ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद जब मंदिर को उठाते हैं तो वो मंदिर उठता नहीं है, तो उस मंदिर को रख दिया नाम झूठे का मंदिर। और माता बहुत ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में, यूपी में, नेपाल में फेमस है, करीब 70 से 80 लाख श्रद्धालु वहाँ दर्शन के लिए आता है। सुना है भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी के सुपुत्र हैं, इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने और पहली बार वो बड़े पर्दे पर आए हैं। इस मूवी से हमने राज गिल को एज ए हीरो पेश किया है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, और माँ की कृपा से बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, बहुत ही सुंदर भजन बने हैं। और मैं समझता हूँ देश की जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, धर्म तो धर्म ही होता है, सभी को बखूबी पसंद आएगी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, लखवीर सिंह लखा भजन सम्राट, सुना है कि वो इस फिल्म में रोल कर रहे हैं, बड़े पर्दे पर सर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस विषय पर? देखिए लखा जी, भजन सम्राट लखा जी अपने आप में एक वैसी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं, सारी देवी देवताओं की उनके ऊपर कृपा है, और भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और बहुत ही सुंदर भजन गाए हैं। आज शूटिंग के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फिल्म हो, एक लोकेशन उसमें एक खास मायना रखती है, किन किन लोकेशनों पर आपने इनका शूट जो है वो किया है? जी, हमने 4 दिन माता के दरबार में शूट किया, वहाँ की अच्छी लोकेशन ली, माँ के दरबार का सीन लिया, मुंबई में शूट किया, सिलवासा में शूट किया, राजपिपला में शूट किया, 4 जगह हमने इसको शूट किया। तो कब तक ये आपकी जो माँ पूर्णागिरी फिल्म है बड़े पर्दे पर लोग, दर्शक जो है इसे देख सकेंगे? देखिए माता की कृपा से बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर देश की जनता को फिल्म देखने को मिलेगी, बहुत ही जल्द। अच्छा, सुना है इससे अतिरिक्त आपका माँ पूर्णागिरी से अतिरिक्त कोई और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस पर आप, जैसा कि ऑफ कैमरा बात हुई थी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर के साथ में आपने काम करने का सोचा है?
अभी तो इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी मैंने सोचा है, बाकी जैसी माई की इच्छा। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे साथ में राजेश कुमार गुप्ता जी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और खन्ना प्राइवेट लिमिटेड जो कि फिल्मों को कास्ट करती है, फिल्मों को सराहती है, उतारती है, बड़े पर्दे तक लेकर आती है, उनके ये ऑनर हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त गिरीश को दें इजाज़त, खबरों के सफर में हैं अभी, बहुत कुछ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें क्राइम अटैच न्यूज़।